ये हायर कंपनी की 32 इंच की स्मार्ट टीवी है, यानी एंड्रॉयड टीवी है। इसमें प्रॉब्लम है कि ये सप्लाई देने पे ऑन नहीं होता है। अब यहाँ पे डाउट ये आता है कि पावर सप्लाई फॉल्ट है या मदरबोर्ड फॉल्ट है। तो यहाँ पर दिखा दें, इसे अगर हम सप्लाई देते हैं जैसे, तो यहाँ पे अगर सप्लाई देंगे तो देखिए स्टैंड बाई जलना चाहिए यहाँ पे, जो कि एक इंडिकेटर के रूप में काम करेगा। और ये पावर बटन हम इसे पुश करते हैं तो भी ये ऑन नहीं होता, ना ही स्टैंड बाई एलईडी शो कर रहा है। अब यहाँ पर एक बात यह आ जाता है कि पावर सप्लाई ख़राब है या मदरबोर्ड से ख़राब है। तो यानी जो ख़राबी है दोनों में डिसाइड करने के लिए इसे ओपन करना होगा। ओपन करके ही इसे क्लियर किया जा सकता है, और अदरवाइज़ सिर्फ डाउट ही इसमें किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए यहाँ से इसे निकाल देते हैं। हमने सारे स्क्रू को ओपन कर दिया है। अब इसे निकालने के बाद हम इसको ओपन करते हैं, यानी इसके बैक कवर को, फिर आपको दिखाते हैं। इसमें ऊपर साइड में भी स्क्रू लगे हैं और यहाँ नीचे साइड में भी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक वोल्टेज देखेंगे। वो चाहे आप कोई भी वोल्टेज दे सकते हैं। यहाँ 2 वोल्टेज हैं, ये जैसे बैक लाइट के लिए है। यहाँ से भी ये मालूम हो जाएगा कि हमारा SMPS सही है, यानी जो सेकेंडरी में आउटपुट मिल रही है वो वोल्टेज। जैसे यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट, अब यानी 12 वोल्ट भी मिल रहा है तो 5 वोल्ट मिलना चाहिए। तो हम सबसे पहले हम 5 वोल्ट चेक करते हैं यहाँ पे। ये देखिए 5 वोल्ट अवेलेबल है, ठीक है। यानी अब ये 12 वोल्ट और 19 वोल्ट और 5 वोल्ट, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे, क्योंकि बेसिक वोल्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे 1.1 वोल्ट ये कोर वोल्टेज है, ये भी अवेलेबल है। अभी हम इसमें एक ट्रिक बताते हैं। जो जैसे स्टैंड बाई एलईडी नहीं चल रही है, तो यहाँ पर दिखा दें ये जो 3.3 वोल्ट है, एक मिनट, उसको चेक करने से पहले हम यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिक दिखाते हैं कि डायरेक्ट आप यहाँ पे ये जो स्टैंड बाई वाली लाइट है, एलईडी लाइट, इसे हम यहाँ पर ऐसे निकालेंगे। और निकालने के बाद यहाँ पर दिखाते हैं, देखिए ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं। एक और इसे एक ट्रिक मालूम होगा कि देखिए, इससे मालूम हो जाएगा इस प्रोसेसर का फंक्शन कर रहा है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर ड्रॉप होगा या ओवर होगा 3.3 वोल्ट, एक मिनट, यहाँ पर देखें रिमोट सेंसर पे मिलने वाली विशेष सप्लाई ओके है। अब यहाँ पे एलईडी पर देखिए, ये जो स्टैंड बाई एलईडी है, यहाँ पे ये 1.6 वोल्ट जो शो कर रहा है, ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है, यानी ये जो रेड एलईडी है यहाँ पे जो है कम से कम यहाँ पे 2.5 या 3 वोल्ट होने चाहिए, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं। अब ये 1.6 या 1.8 जो शो कर रहा है, ये बता रहा है फॉल्ट 3.3 वोल्ट का। अब ये 3.3 वोल्ट ऑन कहाँ से होता है? जब स्टैंड बाई हमारा जो सिग्नल रिलीज होता है सबसे पहले मेन प्रोसेसर से, तो वहाँ से यहाँ पर दिखा दें, एक मिनट, देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट ड्रॉप है। ये भी यहाँ पे 2.9 वोल्ट मिल रहा था आउटपुट पे, लेकिन इस समय अवेलेबल नहीं। अभी हम फिर से दिखाते हैं आपको। ये हो सकता है कि क्योंकि कभी कभी ये मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है,
अभी हम इसे रिपेयर करते हैं और आप देखें कि क्या करने से कैसे जो है ये मदरबोर्ड ऑन होता है। अभी हम आपके सामने ये लाइव कर रहे हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले रेगुलेटर को रिमूव कर लेते हैं। इस जगह हमने देखा है, यानी टेस्ट करने से पहले देखा कि 2.9 वोल्ट शो कर रहा था वहाँ पे, और एक बार 2.6 वोल्ट शो कर रहा था आउटपुट पे, जो कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट नहीं शो करना चाहिए। अभी हम दिखाते हैं कि स्टैंड बाई कंडीशन में शो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सॉरी, हमने बोल दिया शो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये देखिए 3.3 वोल्ट के लिए रेगुलेटर, ठीक है। अब इसे हम चेंज करते हैं और किसी एक कम्बो बोर्ड से हम निकाल लेते हैं इसे। हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे दिखाते हैं कि आप लोगों के पास अगर ना हो तो पुराने यानी ओल्ड मदरबोर्ड से निकाल कर भी कुछ कंपोनेंट को आप यूज कर सकते हैं, अगर कहीं पे ये चीज़ें ना मिल पाए। केवल इसके जो नंबर है वो सेम होने चाहिए। आप देखते रहिए, इसे हम जब चेंज करेंगे इसके बाद क्या होता है और कैसे ये काम करता है, इसको भी आप देख के समझ सकते हैं। क्योंकि जो जो वोल्टेज अवेलेबल थे उसे आपने देखा। अब अगर ऊपर से आप देखते तो उस कंडीशन में ये होता डाउट कि इसका SMPS पावर सप्लाई ख़राब है, या हो सकता सप्लाई ना जा रही हो, क्योंकि उसी स्टैंड बाई इंडिकेशन से ही पता लगता है कि सप्लाई अवेलेबल है कि नहीं, यानी ओके है कि नहीं। तो अगर वो ही अगर ना जले ना ग्लो हो LED, तो कैसे आप सेंस करेंगे, कैसे जानेंगे? तो उसके लिए बैक कवर ओपन करना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये कंटिन्यूटी यहाँ से देख रहे हैं, जो ये 5 वोल्ट ये यहाँ से इनपुट होना चाहिए। एक मिनट, ये 5 वोल्ट यहाँ जाएगा, उसके बाद स्टैंड बाई रिलीज होके यहाँ इसको सप्लाई मिलेगी, तो फिर ये जो है 3.3 वोल्ट आउट करेगा। अब सप्लाई से देते हैं, ये देखिए अभी भी ये 1.6 वोल्ट दिखा रहा है। ये देखिए 2.1 वोल्ट दिख रहा है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पर एक जगह से है, अभी हम दिखाते हैं। हम डायरेक्ट जम्पर देते हैं, जहाँ से स्टैंड बाई रिलीज होता है उस MOSFET से हम यहाँ एक जम्पर लगाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे।
यहाँ ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है और यहीं से हम इसे जो है जम्पर कर देंगे। बाद में हम उस कंपोनेंट को चेंज करते हैं जो फॉल्ट है। पहले इसे कंफर्म करने के लिए एक बार जम्पर देते हैं। जम्पर देकर फिर हम देखते हैं। अब चलिए इसे सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर निगेटिव के प्रॉप को लगाते हैं और सप्लाई देते हैं। 1 मिनट हम सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पर दे रहे हैं, जिससे आप देखिए ये स्टैंड बाई थे LED को। देखिए ग्लो हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 3.3 वोल्ट शो हो रहा है और स्टैंड बाई लाइट LED लाइट जल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए जहाँ पे जम्पर हमने दिया है 5 वोल्ट। अभी 5 वोल्ट इन होगा तो 3.3 वोल्ट आउट होगा। अब यहाँ पर देखें 12 वोल्ट और ये बैक लाइट का 20 वोल्ट, ठीक है। ये डायोड के इधर एनोड पे जो वोल्टेज, कैथोड पे वोल्टेज है। अब इसे हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर 32 वोल्ट बन रहा है, यानी बैक लाइट पे। अब ये यहाँ पे 80 यानी 18 वोल्ट इन और जो है 32 वोल्ट आउटपुट बैक लाइट का। इसका मतलब हमारी टीवी ओके हो गई। ये देखिए, ठीक, टीवी ऑन हो गया। अब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ये जो फॉल्ट हमने निकाला है, अगर ये टीवी ऊपर से अगर बंद हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये पावर सप्लाई SMPS की ख़राबी है कि मदरबोर्ड की ख़राबी है, कि ये कभी कभी LED लाइट भी जो है जंग लग के जो है ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले इसे हम एक बार चेक करा देते हैं BTO। ठीक, अब इतने से क्लियर हो गया कि ओके है। ये देखिए, ठीक। अब इसी तरीके से इस टाइप के फॉल्ट को सर्च आउट किया जाता है। अब वहाँ से हम जम्पर वायर को हटाएंगे और जो मॉस्फेट वहाँ से फॉल्ट है वह उसके जगह पे हम एक दूसरा मॉस्फेट लगा देंगे, जिससे इस जम्पर वायर को हटा के और रिमोट के द्वारा ऑन ऑफ किया जा सके, ठीक है। ये तो मैंने चेक करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, जो ये 3.3 वोल्ट के रेगुलेटर के लिए सप्लाई जा रही है, यहाँ से 5 वोल्ट, ये स्टैंड बाई यहीं से ऑन और ऑफ होता है, ठीक है।
जब हम स्टैंड बाई पावर ऑन ऑफ करते हैं तब उस कंडीशन में, तो एक स्विच का काम करता है। तो ये भी फॉल्ट था और वो रेगुलेटर भी फॉल्ट था। वो रेगुलेटर शॉर्टिंग था क्योंकि कभी कभी 4.3 वोल्ट आउट होता था, और आपको जब मैंने दिखाया है तो वहाँ पे उस कंडीशन में कभी बताया कभी नहीं बताया, इसलिए हमने जो है उस रेगुलेटर को चेंज किया है 3.3 वोल्ट को। जब वहाँ पे 2.1 वोल्ट आउट हुआ है 3.3 वोल्ट के जगह पे यहाँ से, तब फिर हमने जो है इस जगह पे आए हैं जहाँ से इसको इनपुट सप्लाई 5 वोल्ट मिलता है, क्योंकि इनपुट ही सप्लाई यहाँ पे ड्रॉप हो रही थी। ठीक है, तो ड्रॉप यहाँ से पहले तो इस शॉर्टिंग की वजह से, रेगुलेटर 3.3 वोल्ट के फॉल्ट होने की वजह से इस पे इसका असर पड़ा है जो स्विच वाला मॉस्फेट है। तो एक साथ हमने ना करके जहाँ से स्टेप बाई स्टेप फॉल्ट को, जैसे हमने स्टार्टिंग में दिखाया है कि 3.3 वोल्ट के ऊपर अगर डाउट हो तो यहाँ से भी डायरेक्ट एलईडी से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस जम्पर वायर को हम यहाँ से हटा देते हैं, और हटाकर इसको जो है जो फॉल्ट है उस कंपोनेंट को यहाँ पर हम लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक मॉस्फेट लगा दिया है। ये दो कंपोनेंट फॉल्ट निकले। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।